आज की इस वीडियो सीरीज में वर्ड 365 में हम सीखेंगे होम मेन्यू का क्लिपबोर्ड ब्लॉक। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम वर्ड को ओपन करेंगे। वर्ड में जैसे वर्ड को आप रन कमांड से या फिर जैसे हमारे में पहले से ओपन, हम टास्क बार से इसे ओपन कर लेते हैं। आपके सामने देखें वर्ड में कुछ टेक्स्ट टाइप है। अगर हम इस टेक्स्ट को डिलीट करें और फिर से देखें इसमें क्या होता है, तो यहाँ से टेक्स्ट हमने इसको सारे डिलीट कर दिया सेलेक्ट ऑल करके। अब जैसे होम मेन्यू में चलेंगे तो आपको यहाँ क्लिपबोर्ड ब्लॉक मिलता है, जस्ट इसके ऊपर आपको क्विक एक्सेस टूल बार। तो आज इसमें हम कुछ चीजें और साथ के साथ आपको दिखाएंगे क्लिपबोर्ड कैसे। अच्छा, सबसे पहला पॉइंट होता है जैसे हम इसमें कुछ लिखना स्टार्ट कर सकते हैं। तो हमारे साथ होता क्या है, मान लीजिए आप किसी प्लेस किसी जगह का नाम, जैसे मान लीजिए हम लिखें कंप्यूटर, तो CAMPUTER, तो आप देख रहे हैं इसकी स्पेलिंग एरर है। और जैसे स्पेस करेंगे तो आप देख रहे हैं बिल्कुल आपके सामने एक रेड लाइनिंग आ रही है। तो होता क्या है, जब आप कोई सेंटेंस लिख रहे हैं और आपको रेड लाइन आ रही है, तो इसका मतलब उसका स्पेलिंग एरर है। और इसको ठीक करने के लिए क्या करते हैं, आपके पास दो तीन तरीके हैं। जैसे अपने कीबोर्ड से आप F7 प्रेस करिए, जैसे आप देखेंगे बिल्कुल F7 प्रेस करते ही आपके पास एक ऐसे एडिटर स्पेलिंग ग्रामर का एक ऑप्शन खुल गया। अब यहाँ पर आपको सजेस्ट करता है कि आपके पास किस तरीके से कंप्यूटर आपको लिखना चाहिए। और दूसरा तरीका होता है कि आप अपने क्विक एक्सेस टूल बार में जाएंगे तो आपको देखेंगे कि इधर आपको स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक का इसमें ऑप्शन मिलता है, ये एडिटर F7 के नाम से। और जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे आपके पास एक किस तरीके से ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ पर क्लिक करते ही ये पैनल खुल के आ जाएगा स्पेलिंग एंड ग्रामर का। और दूसरा है कि आप इसी टेक्स्ट पर माउस की राइट बटन क्लिक करके भी आप ऐसे देखेंगे स्पेलिंग्स में आपको सजेस्ट कर रहा है, और यहाँ पर जैसे कंप्यूटर पर क्लिक करेंगे देखेंगे ये सही हो गया। कभी कभी किसी व्यक्ति का हम सही भी नाम लिखते हैं तब भी ये बताता है इसका ग्रामर एरर है, स्पेलिंग एंड ग्रामर एरर है। तो बट होता क्या है, जैसे किसी भी प्लेस और किसी भी व्यक्ति का नाम अगर कंप्यूटर के डिक्शनरी में ऐड नहीं है तो कभी भी आपके कंप्यूटर में वो सही नहीं बताएगा। जैसे आप हिंदी टाइप करेंगे तो बिल्कुल रेड बताता है, कारण यही होता है कि हिंदी कंप्यूटर के डिक्शनरी में शब्द ऐड नहीं होता है। तो ध्यान रहे कि अगर वो रेड लाइन दिखा रहा है तो प्रिंटिंग में बिल्कुल भी नहीं आएगा, तो इससे आप निश्चिंत रहें। और दूसरा एरर क्या होता है, जैसे हम मान लीजिए कुछ कीवर्ड लिख लेते हैं, जैसे रेड, अब इंटर करते हैं, जैसे हमारे पास कुछ कीवर्ड देखेंगे टाइप किया कराया आ गया। और होता क्या है इसमें, मान लीजिए आप कहीं ऐसे डबल स्पेस कर दी, इसे कहते हैं ग्रामर स्पेस, इसे कहते हैं ग्रामर एरर। यानी किसी सेंटेंस में देखेंगे आपको यहाँ रेड दिखाई दे रहा है ग्रामर, और किसी की स्पेलिंग अगर आप गलत कर दीजिए तो देखेंगे आपको ये रेड। तो दो प्रकार के एरर आते हैं, एक रेड और दूसरे ब्लू कलर में। अगर पुराना वेरिएशन है तो ये ग्रीन कलर में आता है, ग्रामर एरर ग्रीन में दिखाई देगा और स्पेलिंग एरर रेड में। तो अगर आपको ग्रामर एरर हटाना हुआ तो आप बिल्कुल ये F7 प्रेस करते ही दोनों चीज़ें बताता है कि कहाँ कहाँ पर, जैसे बता रहा है वीडियो प्रोवाइड टू वे में यहाँ पर स्पेस ज़्यादा है। तो अगर हम इसको जैसे स्पेस मेंटेन कर देंगे, ठीक कर देंगे, या फिर ऐसे क्लिक कर दिए इस पर, तो देखो ये ठीक कर दिया ऑटोमेटिक। और अगर यहाँ पर इसकी स्पेलिंग सजेस्ट कर रहा है कुछ इस तरीके से प्योर होना चाहिए, तो अगर आप इसको कर देंगे तो देखो ये सही हो गया। अभी इसमें आपको वेट कह रहा था इस तरीके से, तो आप बदल सकते हैं, इसे ठीक कर सकते हैं अपने अनुसार स्पेलिंग एरर। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट हिस्सा है, काफ़ी लोग इससे परेशान होते हैं। दूसरी चीज़ है, अगर मान लीजिए कोई एरर है भी, तो जैसे मान लीजिए हम यहाँ प्रोवाइड्स में एक स्पेलिंग एरर करके देखते हैं, कोई वर्ड जोड़ दिए, अब आप देख रहे हैं एरर। अगर फाइल मेन्यू में से यहाँ से प्रिंट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, देख रहे हैं यहाँ प्रिंट प्रीव्यू में एरर्स आपको दिखाई नहीं दे रहा है, यानी कि प्रिंटिंग में भी नीचे लाइनिंग नहीं बनेगी। प्रिंट प्रीव्यू के शॉर्टकट की आपके अब बताएंगे, कंट्रोल के साथ आप F2 प्रिंट करेंगे तब भी आप प्रिंट प्रीव्यू में आ जाएंगे, और Office 360 में आप Ctrl+P करेंगे तब भी आपके साथ वही पैनल ओपन हो जाता है। तो आप चाहे Ctrl+F2 करिए या Ctrl+P करिए, सेम तरीके से वर्क करेंगे इसमें।
यहाँ से बैक चलिए। अब हम देखते हैं क्विक एक्सेस टूल बार के और ऑप्शन। तो अगर हम बात करें न्यू, ओपन, सेव, ईमेल, तो ये सब आपको फाइल मेन्यू के अंतर्गत पढ़ाया गया है। ये सब सेम टू सेम काम करते हैं। बस होता क्या है, जैसे हम यहाँ जाएंगे क्विक एक्सेस टूल बार में, होता क्या, जैसे हम फाइल मेन्यू में नहीं जाना चाहते, डायरेक्ट इसी बटन पर क्लिक करें, जैसे आप देखो सेव बटन यहाँ बनाई गई है। तो जिस भी ऑप्शन पर ये करेक्ट द चेक मार्क लगा है, करेक्ट का अगर ऐसे मार्क लगा है, तो वो बटन बनकर, जैसे अगर हम यहाँ क्विक एक्सेस टूल बार पर क्लिक करें, तो देखेंगे आपके पास एक ऐसा सिंबल बनकर आ गया। अब हमें प्रिंट प्रीव्यू क्विक प्रिंट करना, तो बस इस पर जस्ट क्लिक करेंगे, क्विक प्रिंट हो जाएगा। तो इस तरीके से ये आपका काम करता है। इस सीरीज में आपको देखें तो इसमें कुछ चीज़ें नहीं मिलती हैं, जैसे ड्रॉ टेबल आगे हम पढ़ने वाले हैं, आगे पढ़ेंगे। इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो आपको लगभग लगभग नहीं मिलने वाला है, सो बिलो द रिबन, मोर कमांड्स और टच माउस मोड, तो इस तरीके से कुछ चीज़ें हैं। तो अगर और अंडू और रीडू, तो अंडू रीडू, तो इसमें जैसे पिछले स्थिति में जाना हुआ या आगे में, तो अंडू की शॉर्टकट की कंट्रोल जेड और रीडू की कंट्रोल वाई होती है। फिर इसको भी थोड़ा बाद में और एक बार से क्लियर कर लेंगे। आपके पास ये अंडू का सिंबल है और ये रीडू का, तो हमें जिनकी आवश्यकता नहीं इसको हम हटा देते हैं। जैसे अभी ये ऑटोमेटिक स्पेलिंग का हटा दिए, सेव कमांड हटा दिए, और यहाँ से क्विक प्रिंट हटा दिए, और यहाँ से आप इरेजर। अब आपके पास दो बटने यहाँ बनी हैं, और नीचे अगर शो बिलो द रिबन करेंगे, तो ये देख रहे हैं आपका रिबन के नीचे आ गया, और जैसे यहाँ शो अबव द रिबन किए थे, रिबन के ऊपर चला गया। रिबन पट्टी कभी कभी लोगों को गायब हो जाती है, इसकी शॉर्टकट क्या होती है, कंट्रोल F1। तो देखेंगे इस तरीके साइड और कंट्रोल के साथ F1 पुश करते ही ये आ जाता है, रिबन शो और हाइड की शॉर्टकट की है। नेक्स्ट में देखते हैं कट, कॉपी, पेस्ट और ये सारे कमांड किस तरीके से काम कर सकते हैं। हालांकि इसे हम पहले ठीक कर लें, कंट्रोल जेड करते ही ये देखिए आपका स्पेलिंग सही हो गया। अगर आपको फिर गलत करना तो कंट्रोल वाई कर दीजिए। तो इस तरीके से कंट्रोल जेड से पिछले स्थिति में और कंट्रोल वाई से आगे की स्थिति में आप जा सकते हैं, अंडू रीडू, बैक और फॉरवर्ड में। नेक्स्ट बात करें कट, कॉपी, पेस्ट, फॉर्मेट, पेंटर, तो हम देखते हैं किस तरीके से काम करता है। तो सबसे पहले अगर फॉर्मेट पेंटर की बात करें, तो कुछ कीवर्ड पिछले वीडियो में हमने फॉन्ट ब्लॉक पढ़ा था, इसीलिए कि हमें काफ़ी चीज़ों को पता हो कैसे स्टाइल्स बनाने हैं। अगर सपोज दैट कोई ऐसे मान लीजिए सेलेक्ट करके कोई वर्ड को कलर किया है या ऐसे किसी स्टाइल में बना दिया गया है और इसकी साइज इंक्रीज कर दी गई है, तो मान लीजिए इसको हम 19 कर दिए। अब आप देख रहे हैं कि हमें तो एकदम बिल्कुल ऐसे ही वर्ड बनाना है, तो इसमें होता क्या है कि आप इसको सेलेक्ट करेंगे तो सारी चीज़ें बता देता है इसमें क्या क्या, लेकिन आपको काफ़ी चीज़ें सेट करना होगा। तो फॉर्मेट पेंटर का बहुत अच्छा वर्क होता है कि आप इसको क्या करेंगे, बस ऐसे किसी टेक्स्ट के बीच में क्लिक कर दीजिए या कुछ वर्ड कीवर्ड को आप सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ से आप फॉर्मेट पेंटर पर क्लिक करिए। जैसे फॉर्मेट पेंटर पर क्लिक करेंगे, आप देख रहे हैं आपके कर्सर के साथ एक ब्रश जैसे बन गया, और इस ब्रश को जहाँ भी आपको ऐसे वर्ड बनाने, बस उस पर आपको क्या कर देना है, ड्रैग कर देना है। बस जैसे हम इस ब्रश को यहाँ पर माउस की लेफ्ट बटन क्लिक करके ड्रैग कर दिए, अब आप देख रहे हैं बिल्कुल हूबहू जैसे ऊपर का वर्ड है वैसे नीचे का भी वर्ड हो गया। अगर आपको फिर नॉर्मल करना है तो बिल्कुल जैसे भी स्टाइल, अगर हम इसको क्लिक किए और फॉर्मेट पेंटर पर इस पर दोबारा चला दिए, तो आप इस तरीके से आप कंट्रोल जेड से मतलब पिछली स्थिति में अगर जाना हो, बैक करना हो, तो इस तरीके से कर सकते हैं, और आगे कंट्रोल वाई। तो आप देख रहे हैं किस तरीके से अंडू से यहाँ से देखो पिछली स्थिति में जा रहे हैं, देख रहे हैं, और रीडू से कैसे हम फॉरवर्ड यानी आगे की पोजीशन में आ रहे हैं। तो यहाँ से पीछे अंडू और यहाँ से रीडू, तो कुछ इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो आपने सीखा किस तरीके से फॉर्मेट पेंटर। अगर इसकी शॉर्टकट की बात करें, तो आप देख रहे हैं इनका कंट्रोल शिफ्ट प्लस सी और कंट्रोल शिफ्ट प्लस वी बिल्कुल काम करता है, इसे आप चेक कर सकते हैं। कॉपी पेस्ट की बात करें, तो कॉपी पेस्ट में होता क्या है, जैसे मान लीजिए अगर कोई कीवर्ड आपको बार बार लिखना पड़ रहा है या सेम टू सेम पैराग्राफ आपको बार बार करना पड़ रहा है, तो जिस वर्ड को आप सेलेक्ट कर लेंगे एक बार और यहाँ से क्या कर लेंगे, कॉपी, कॉपी की शॉर्टकट की देख पा रहे हैं कंट्रोल प्लस सी, आप कंट्रोल के साथ सी प्रेस करेंगे कीबोर्ड से तब भी कॉपी हो जाएगा। जैसे हमने क्लिक कर दिया और ये वर्ड हमारा कॉपी हो गया, बट ये आपको दिखाई नहीं दे रहा है। जहाँ भी आपको इसकी आवश्यकता पड़ती है, तो आप कर्सर को क्लिक करिए,
जैसे मान लीजिए हमें नीचे रही, यहाँ पर कर्सर को क्लिक किए, और चाहे तो आप पेस्ट ऑप्शन से पेस्ट कर सकते हैं, देख रहे हैं इसकी शॉर्टकट की कंट्रोल वी, या अपने कीबोर्ड से भी कंट्रोल वी प्रेस करते ही आपका पेस्ट हो जाएगा। इसको हम शॉर्टकट की से देखते हैं, कंट्रोल के साथ वी, देखेंगे हो बहु वर्ड नीचे आ गया। एक बार कॉपी किया गया मैटर हम दो बार, दस बार, बीस बार, जितनी बार आपको जरूरत हो उतनी बार आप पेस्ट करा सकते हैं, बट ध्यान रहे जो लास्ट टाइम में कॉपी हुआ होगा डेटा वही पेस्ट होगा। तो इस तरीके से आप लास्ट टाइम में, अगर कोई दूसरा पैर अगर आप आपने सेलेक्ट करके कॉपी कर लिया, तो अब आपको यही वाला पैराग्राफ जो लास्ट टाइम में हमने कॉपी किया, देखो इसी को हम पेस्ट कर पा रहे हैं। यहाँ पर पेस्ट क्लिक करते हैं, देखो ये आ गया। अब पुराने वाले के लिए हमें पुराना फिर कॉपी करना होगा। अगर मान लीजिए ऐसी चीजों से आप बार बार बचना चाहते हैं कि आपको बार बार कॉपी न करना पड़े और पेस्ट हो जाए आगे पीछे दोनों का, तो इसके लिए हमें क्या करना होता, आप देख रहे हैं यहाँ क्लिप बोर्ड पर एक पॉइंट बना हुआ है, इस पर आप दो बार क्लिक करिए। जैसे दो बार क्लिक, एक बार क्लिक किए तो आप देख रहे हैं यहाँ पर जितनी बार हम इसमें डेटा कॉपी करते हैं उसकी ये हिस्ट्री छोड़ता है ना, इसे कहते हैं क्लिप बोर्ड। अब देखेंगे यहाँ पर जैसे हमने एक बार कॉपी कर लिया, अब कोई कीवर्ड अगर हम यहाँ से कॉपी करेंगे तो इसमें आप देख रहे हैं दूसरी बार जुड़ गया, और तीसरी बार अगर हम कोई क्लिक किए तो देखो आपको यहाँ तीसरी बार, तो इस तरीके से आपको कॉपी हो गया। अब आपको यहाँ नीचे जहाँ जो लाना हो बस उस पर आप सिंपल से क्लिक कर दीजिए, देखो ये आ गया। अगर हम यहाँ क्लिक करेंगे देखो ये आ गया। इस तरीके से आप अगर क्लिपबोर्ड ऑप्शन को यहाँ से क्लिक करके कॉपी करेंगे, तो अगर पेस्ट आल करना है, सबको करना है, तो जहाँ भी आपका कर्सर होगा पेस्ट आल करते ही देखो सारी चीज़ें एक साथ पेस्ट हो जाएंगी। तो हम अलग अलग डेटा सेलेक्ट करके कॉपी कर लेंगे या अलग अलग टाइम्स में कॉपी किए तब भी हम पेस्ट बिल्कुल यहाँ से कर सकते हैं। तो आपने देखा किस तरीके से क्लिपबोर्ड में क्लिपबोर्ड का यूज कर पाते हैं। कट का काम होता है, सपोज करिए कि मान लीजिए पीछे की चीज़ों को हमें डिलीट कर देना है, तो आप यहाँ कट भी कर सकते हैं, और ऊपर भी चीज़ों को अगर थोड़ा और मिटाना चाहें तो मान लीजिए काफ़ी डेटा है तो यहाँ से हम कुछ चीज़ों को डिलीट कर देते हैं, या आप कीबोर्ड से डिलीट या कट कुछ भी कर दीजिए। होता क्या, जैसे मान लीजिए आपको कट, कट का यानी किसी टेक्स्ट को अगर हमें मूव करना हो, सपोज दैट कि ये पूरा पैराग्राफ हमें यहाँ से मूव करके नीचे लाना हुआ, तो हम सिंपल सा कट कर लेंगे, कट की शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस यक्स, आपके स्क्रीन पर भी दिखाई दे रही है, इसे आप लिख भी सकते हैं या आप याद कर सकते हैं। कंट्रोल यक्स प्रेस करते ही आपका डेटा ये कट हो गया। जहाँ भी माउस पॉइंटर को रखेंगे, जहाँ अपने कर्सर को लाना हो किसी लाइन के या पैराग्राफ के बीच में या लास्ट में, बस वहाँ पहुँचने के बाद आप पेस्ट पर क्लिक कर देंगे, और जैसे ही पेस्ट पर क्लिक किए आपका डेटा पेस्ट हो गया। ये जैसे क्लिक किए आपका डेटा क्या हो गया, यहाँ आपने देखा इस तरीके से, किस तरीके से कि आपने कट किया और कट करके आप पेस्ट कर दिए। तो यानी किसी टेक्स्ट को मूव करने के लिए हम कट का यूज करते हैं। नेक्स्ट कमांड की बात करें पेस्ट, पेस्ट में आप देखेंगे नीचे की तरफ एक इसको यहाँ पर पॉइंट बनाए जिसे कहा जाता है ड्रॉप डाउन लिस्ट। तो आप अपने कर्सर को क्लिक करिए, अभी देखो ये काम नहीं कर रहा है, तो पेस्ट स्पेशल में यहाँ जाएंगे, देखेंगे आपको यहाँ देख रहे हैं पेस्ट, नीचे लिखा है पेस्ट स्पेशल। अगर हमें इसका प्रैक्टिकल करना है तो इसके लिए होता क्या है कि जैसे हम कोई डेटा अदर प्रोग्राम में कॉपी करें, जैसे सपोज दैट एक्सेल में, तो हमने कुछ फाइल पहले से बना रखे जिससे आपका टाइम बेकार ना हो, तो यहाँ से आप देखें कुछ डेटा है इसका, थोड़ा बहुत डेटा जिससे आप आसानी से समझ सको, जैसे SR नंबर, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय पोस्ट पर डे, कुछ चीज़ें हैं। तो इसमें हम कुछ चीज़ों को क्या करते हैं, रैंडमली डेटा है इसको हमने क्या किया, बस सेलेक्ट किए और इसको क्या करेंगे कॉपी, और यहाँ से मिनिमाइज कर दिए। आपको इसमें अपने MS Word में लाना है तो आप पेस्ट में चले जाइए, जैसे पहले से बना तो आपने एक्सेल से कॉपी किया, यहाँ गए तो अब देखो आपको अब बहुत सारी चीज़ें काम करें पेस्ट ऑप्शन में। इधर से आप देख रहे हैं तो देखिए बिल्कुल इस तरीके से कह रहा है कीप सोर्स डेटा, यहाँ से पेस्ट हो जाएगा, यहाँ से अगर इसको लिंक के साथ पेस्ट करना, देखो ये उसका डेटा इसका लिंक करके, तो हमें कुल मिला के आप इसको ऐसे ट्राई कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो आप देखेंगे कि यहाँ पेस्ट स्पेशल में जाएंगे, बिल्कुल पेस्ट स्पेशल में जैसे क्लिक करेंगे तो आपको दो ऑप्शन होंगे पेस्ट और पेस्ट लिंक। तो पेस्ट तो जनरली नॉर्मल हो जाता है, हमें करना क्या है पेस्ट लिंक। पेस्ट लिंक में आपको किस प्रकार से MS Excel वर्कशीट का डेटा है तो आपको यहाँ पर
एमएस एक्सेल वर्कशीट पर क्लिक कर लेना है और उसके बाद हमें क्या कर देना है, पेस्ट। आप देख रहे हैं आपका डेटा यहाँ पर पेस्ट हो गया। इस तरीके से पेस्ट करने का फायदा आपको ये होता है कि आप एक्सेल में जाइए और कोई भी नाम किसी भी चीज में आप चेंज कर दीजिए, जैसे आदित्य लिखा है और इसका नाम बदलकर आदित्य की जगह हम रमेश कर दिए, और जैसे रमेश करने के बाद इंटर प्रेस किए तो आप देखेंगे कि एमएस वर्ड में भी आपको आदित्य की जगह रमेश हो गया। ऐसे कोई भी चेंज, लेकिन आप जब सोर्स में कोई चेंज करेंगे तभी ऑब्जेक्ट में बदलाव होगा। यहाँ शिवम लिखा है और आप इसे शिवम की जगह मान लीजिए मोहन कर दिए, यहाँ पर मोहन। इंटर करते ही आप देखेंगे कि वर्ड में भी चेंज हो गया। तो इससे होता क्या है कि आप एक्सेल में कोई काम कर रहे हैं, एक बार डेटा बना दिया, अगर कुछ एरर्स है आपने एक्सेल में सुधार किया तो आपका डेटा वर्ड में भी सुधार हो जाएगा। ये फायदा होता है आपका पेस्ट स्पेशल का। तो इस तरीके से आप क्लिपबोर्ड में कट कॉपी पेस्ट कई सारी चीज़ें सीख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पैराग्राफ ब्लॉक के साथ। थैंक यू।